तो देखिए, ये आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हमारा मोबाइल फोन वर्क करता है, काम करता है, ठीक है। और ये भी चीज है, और एक चीज ये भी है, ठीक है। ये दो चीज आप लोगों ने देखा है, ऐसा नहीं है ये आपके लिए नया है। हमारे फोन में ये सभी लाइनों ने हमने आपको चेक करवाया था, पीएस होल्ड लेस से लेकर के एमएसएम रिसेट आउट तक। माइक जिनका है जरा बंद रखे माइक, ठीक है। तो इसमें हमने आपको बताया था कि इसी में जब हमारी प्रॉब्लम आएगी किसी भी लाइन में, तो हमारा अगर पावर में दिक्कत होगा तो हमारा पीएस होल्ड नहीं बनेगा, और अगर हमारा पीएस होल्ड नहीं एडजस्टेबल हो रहा है, रुक नहीं रहा है, तो हमारे सीपीयू की भी फॉल्ट हो सकती है, क्योंकि सीपीयू ही पीएस होल्ड से भेजने का काम करता है। पावर ऑन रिसेट लाइन हमारा पावर आईसी बनाने का काम करता है। तो ये सारी चीज आप लोगों ने चेक किया था, ठीक है। ठीक है, तो अब जरा आप ही लोग मुझे क्या गाइड करेंगे। बैच टू वालों का थोड़ा ज्यादा जिद था इस पे, तो मुझे आप बताएंगे इनमें से जो है हमारी लाइन ब्रेक होगी तो स्वाभाविक है कि फोन हमारा बंद पड़ेगा। तो कौन सी ऐसी लाइन मैं रोकूं, जैसे कि हमारे फोन में पावर की प्रेस होने के बाद सबसे पहला हमारा 2.5 हाई एलडीओ बनता है, तो कौन सी लाइनों को मुझे ब्रेक करनी है आप ही मुझे बताएंगे, उस हिसाब से मैं ब्रेक करूंगा। और उसके बाद फिर हम फोन की बिहेवियर चेक करेंगे कि हमारे फोन में क्या बिहेवियर हो रहा है। रैम का भी जो है 0.60 यहाँ बनता है रिफरेंस वोल्टेज, ठीक है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं और या फिर आप यहाँ भी देख सकते हैं, ओके। दोनों ऑप्शन है आपके पास कि कौन कौन सी लाइन को आप चाहें ब्रेक करने के लिए, जिससे कि आप अपने फोन की बिहेवियर को समझ। हम पावर की प्रेस कर रहे हैं, पावर की प्रेस करने के बाद हमारा देखिए डीसी सप्लाई मशीन में कोई वेरिएशन है, नहीं, ठीक है, कोई नहीं। वेरिएशन नहीं है, एकदम कोई वेरिएशन नहीं है। अब हम पावर की पे वोल्टेज चेक करते हैं, क्या हमारा पावर की पे वोल्टेज है या नहीं है। तो पावर की पे वोल्टेज है 1.80, देखिए अब आपको मल्टीमीटर दिख रहा है, ऐसा देखिए वोल्टेज है पावर की पे, 1.8 ठीक है 80 है। अब हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं तो हमारा कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है हमारे मशीन पे, ठीक है, हमारे मशीन पे कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ में मिला, चलिए मैं दोबारा एक बार प्रेस करता हूँ, कोई भी वेरिएशन नहीं है हमारे मशीन पे, है ना। देखिए मैं दोबारा प्रेस कर रहा हूँ, मशीन में कोई वेरिएशन नहीं है, ओके। तो चलिए ये तो पता चला कि हमारा अगर हाई एलडीओ या लो एलडीओ खुले तो हमारे फोन में क्या दिक्कत हो सकती है, कि ऑन ऑफ बटन पे हमें एकदम कॉन्स्टेंटली हमें वोल्टेज 1.8 मिलेगा, लेकिन वो दबने के बाद हमारे फोन में कोई फर्क नहीं नहीं पड़ेगा। पड़ेगा, आगे बढ़े, इसको लगा दें, यस या नो। लगा दीजिए सर। सर सर इसे ये हम चार्जिंग तो लगा लेते, सर चार्जिंग लगा लेते, देखिए एक बार जरा। चार्जिंग लगाने पे देखेंगे तो इस फोन का फ्रेम 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 तो इस बोर्ड का भी है नहीं हमारे सर पास। एक बार लो का भी हटा के देखो क्या दिखाता है सर, लो का। ठीक है हटा लेते हैं उसका भी, तो यूएसबी से हम ऐसा कर सकते हैं, इसको हाँ, 5 इसको लगा दो, वोल्ट उसको दिखा। सर इसमें ये पता चल रहा है कि जैसे पावर से और सीपीयू का कम्युनिकेशन टूटा हुआ है ना सर। ऐसे अभी जो इसको दबाए तो हमारा कोई भी हलचल हमारे फोन में नहीं हुआ, ठीक है, पावर की दबने से। जी तो सर, इससे हमें ये महसूस होता है कि भाई लगता है कहीं ऑन ऑफ का तो ट्रैक नहीं कटा हुआ है ना। लेकिन अगर हम ऑन ऑफ पे चेक कर रहे हैं तो भाई ऑन ऑफ पे तो हमारी बजाबते वोल्टेज बन रही है, इसका मतलब ऑन ऑफ का ट्रैक भी कटा हुआ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा शक ये जाता है बिल्कुल कि जब हम पावर की को प्रेस करते हैं तो हमारा जब हाई एलडीओ बनेगा
तभी तो बाकी के वोल्टेजेस बनेंगे हमारे फोन सर्किट में। बिल्कुल जब है एलडीओ ही नहीं बिल्कुल बनेगा तो बाकी के वोल्टेज नहीं बनेंगे, और जब बाकी के वोल्टेज नहीं बनेंगे तो हमारे जो कंजप्शन है एम्पियर जो लोडिंग है वो होगी नहीं, ठीक है। तो हमें इस तरह के फॉल्ट में बिल्कुल ये सर सिचुएशन में आपको इस तरह से चेक करनी है अपना हाई एलडीओ लो एलडीओ आपको कवर करना है। चलिए मैं इसको लगा देता हूँ एक बार इस कॉइल को। अभी हमारा क्या है कि लो एलडीओ की लाइन ब्रेक है। अब अगर हम इसका भी कंटिन्यूटी लें तो रेड प्रॉप को हमने ग्राउंड पे रखा है, एक साइड की वैल्यू 315 के करीब है। मल्टीमीटर दिख रहा है आप लोगों को? नहीं मल्टीमीटर नहीं दिख रहा है सर, वो दिख रहा है, डीसी दिख रहा है सर, दिख रहा है सर, डीसी स्क्रीन स्क्रीन घुमाने बाद हो जाएगा सर। नहीं सर डीसी दिख, चलिए अब दिख रहा है मल्टीमीटर। दिख रहा है सर, एक साइड अपना देखिए 87 है, एक साइड 87 है और एक साइड अपना 297 है। तो थोड़ा सा बोर्ड अभी गर्म है, चलिए 96 एक साइड, ठीक है। तो कोई बात नहीं, क्योंकि 96 इसलिए है क्योंकि ये जो हमारा जो 1.2 है ये प्रोसेसर के अंदर भी जाता है, लेकिन जो अपना जो है एलडीओ था वो प्रोसेसर के अंदर वो डायरेक्ट नहीं जाता है, इसीलिए उसकी रीडिंग थोड़ी ज्यादा फ्री थी, इसकी रीडिंग थोड़ी कम फ्री है, लेकिन वो शॉर्टिंग हम नहीं मानेंगे। अब अगर मान लिया जाए इसको कोई मन में शॉर्टिंग आ जाए कि सर हो सकता है ये शॉर्ट हो, जैसे मैंने इसको चेक किया तो कितना है, अब देखिए ये 110 है ना। तो अगर ये शॉर्ट होएगी तो हम इसको रिवर्स फॉरवर्ड करेंगे, 110 11 है, अब हम इसको क्या करते हैं फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड में कितना है 227, तो क्या ये लाइन शॉर्ट होगा? हाँ। क्या? अब हम फोन का कंडक्शन चेक कर रहे हैं। अब ये देखिए कितना पे गया हमारा, देखिए 28। तो अब आप अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, अगर हमारी लो एलडीओ कटेगी ठीक है तो हमारा 28 पे जाकर के 2028 पे जाकर के फोन जीरो आएगा। बिल्कुल नोट डाउन हो गया सर, ठीक है। ये अब आपका लो एलडीओ का पंगा हो गया, क्योंकि हाई एलडीओ से बहुत सारे वोल्टेजेस बनने लगे जिस वजह से हमारा कुछ ना कुछ कंजप्शन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इसको लगा दें बिल्कुल, और ये इस पे कितना है वैल्यू भी आप अपना नोटिस कर लीजिएगा। मल्टीमीटर दिख रहा है आपको? नहीं सर दिख रहा नहीं सर, डीसी डीसी सप्लाई दिख रही है। अब मल्टीमीटर दिखेगा जी सर, दिख रहा है। अगर आपको जीआर नोटिस करनी हो तो एक नेगेटिव है, नेगेटिव के जस्ट बगल जो आ रहा है दाहिने साइड 810 है, उसके ठीक ऊपर हमारा बोर्ड भी सही नहीं दिख रहा। हाँ जी, ये ना बोर्ड भी सही नहीं दिख रहा पूरा तरह। अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? नहीं सर, अब भी बोर्ड नहीं दिख रहा है। बोर्ड तो साफ दिख रहा है सर, बोर्ड दिख रहा है सर, सब क्लियर है सर। ये नेगेटिव, नेगेटिव के जस्ट दाहिने हमारा 816, उसके ठीक ऊपर हमारा 494 और उसके बाद सबसे लास्ट 805, ये इसकी जीआर वैल्यू है। एक जो है ये हमारा रजिस्टर लग करके, ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस हमारे इसको क्या दे रहा है, तो इस रेजिस्टेंस को आप कॉपी करके चेक कर सकते हैं, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। माइक सर, दो माइक और बंद कर दो, एक रतन मोबाइल भी बंद कर दो। चलिए ये वाला रेजिस्टेंस है R1506। देखिए ये 100 किलो का रेजिस्टेंस है जो कि 1.8 वोल्ट की लाइन से, ये आपका जो क्रिस्टल का थर्मल लाइन को ये जोड़ने का काम करता है, पी एक्सो थर्मल, यानी कि ये पुल अप करने का काम करता है ये रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये नेगेटिव, एक तो अपना कैपेसिटर रख करके नेगेटिव ही है,
ठीक है, ये हमारा थर्मल है, एक्सोथर्मल। तो ये भी हमारी पीएमसी ही जुड़ी हुई है, यानी कि यहाँ जो हम ये लाइन देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस वाली, ये लाइन भी हमारा पीएम से ही जुड़ा हुआ है। अगर आप इसको आगे आके देखेंगे तो ये लाइन जो है यहाँ से ये निकल करके यहाँ से होता हुआ ये लाइन हमारा पीएम से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये दो लाइन तो और एक हमारा नेगेटिव। चलिए अब इस फोन का आप थोड़ा सा बिहेवियर देख लीजिए, मैं डीसी पावर सप्लाई मशीन को आपके सामने हाइड कर देता हूँ। एकदम कोई रीडिंग नहीं, कुछ रीडिंग है? हाँ है, 25 का, 18 और 5 लो 5 लो 5 लो करके चल रहा है, ये फ्लैक्चुएट हो रहा है, फ्लैक्चुएट हो रहा है ये। शॉर्टिंग निकाला है क्या सर उसको? हाँ, शॉर्टिंग तो वो मैंने निकाल दिया। ठीक है, हेलो हेलो का ये फ्लक्चुएशन हो रहा है। इसका मतलब सर क्रिस्टल खराब होगा तो उतना हेलो हेलो करते रहेगा ना ये? हाँ, ये फ्लक्चुएशन मारेगा। अब हम इसमें एक काम और करते हैं, पावर की को शॉर्ट कर देते हैं और बक की वोल्टेज चेक करते हैं, क्या वो बक का वोल्टेज रुक रहा है या वो भी फ्लक्चुएट कर रहा है। इससे हमें पावर की को होल्ड नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पास यूएसबी है तो आप यूएसबी लगा के कीजिए, यूएसबी नहीं है तो ऑन ऑफ बटन को शॉर्ट मार दीजिए और उसके बाद चेक कीजिए। चलिए, अभी हमने क्या किया है कि इसका पावर की को हमने शॉर्ट कर दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ हम वोल्टेजेस चेक करेंगे कि हमारा कौन वोल्टेज बन रहा है कौन वोल्टेज नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हमने अब पावर की को शॉर्ट कर दिया है। चलिए अब हम इसमें बूट केबल को कनेक्ट करते हैं। हमारा बूट केबल कनेक्ट हो गया, ये देखिए 24-25 24-25 पे फ्लक्चुएशन माप रहा है, दे रहा है। अब मीटर को हम डालते हैं वोल्टेज की रेंज में और हम देखते हैं कि हमारा कौन कौन सा वोल्टेज बन रहा है। चलिए हम रखे लो एलडीओ पे, क्या आप मल्टीमीटर दिखा दीजिए। चलिए, मल्टीमीटर दिख रहा है आपको? जी ठीक है, दिख रहा है सर। और देखिए, अपने अभी हमने लो एलडीओ पे रखा, क्या बन रहा है लो एलडीओ? हाँ जी, बन रहा है, लेकिन कितना वेरिएशन में भाग रहा है? हाँ हाँ, फ्लक्चुएट हो रहा है। 120 क्रिस्टल की लेग पे हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो किसी पे भी वोल्टेज, एक क्रिस्टल की लेग जो अंतिम वाली थी उस पे 0.40 के करीब में वोल्टेज देखने को मिल रहा है, 0.70 के करीब में, सबसे अंतिम वाली 0.79, यानी क्रिस्टल को वोल्टेज आ रहा है लेकिन क्रिस्टल आउटपुट नहीं दे रहा है। क्रिस्टल को वोल्टेज बना रहा है फोन लेकिन क्रिस्टल आउटपुट नहीं दे रहा है, क्योंकि क्रिस्टल है ही नहीं इसीलिए ये आउटपुट नहीं दे रहा है। और अगर हम इसके 1.8 सप्लाई की बात करें, बन रहा है कि नहीं, तो 1.8 ये बना रहा है, 1.8 बिल्कुल, लेकिन फ्लक्चुएट दे रहा है, फ्लक्चुएट स्टेबल नहीं है, फ्लक्चुएट दे रहा है। देखिए, आया 1.8 एकदम आराम से, अपनी मर्जी से बढ़ रहा है 1.8, देखिए आया, ठीक है, ये अपनी मर्जी से 1.8 घट बढ़ रहा है। तो अभी ये देखिए घट गया, फिर ये घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, फोन के बिहेवियर को पकड़ना है। देखिए घटता जा रहा है, अब ये फिर बढ़ गया, ठीक है, ये फिर अब कुछ देर ही इंतजार करेगा अपने सीपीयू यानी मास्टर का, फिर ये देखिए घटना चालू हो गया। आप बिहेवियर पकड़ पा रहे हैं सभी लोग, फोन में चल क्या रहा है अभी? हाँ बिल्कुल सर, सभी लोग इस चीज को पकड़िए कि हमारा क्रिस्टल फॉल्ट होगा तो देखिए 1.8 बना, अब ये घटना स्टार्ट होगा विद इन 5 सेकंड में, देखिए घट रहा है अब ये एकदम मजे से, घटा कहां तक आया 77, अब फिर ये मजे से बढ़ना चालू हो गया। कौन सी वोल्टेज है? 1.8, ये 1.8 है हमारा L5 वाली 1.8 L5 लाइन, ठीक है, ये L5 में भी यही हाल हो रहा है,
बाकी सभी वोल्टेज में यही हाल हो रहा है, हाई एलडीओ लो एलडीओ सब में ये यही हो रहा है कि वोल्टेज घटता है बढ़ता है, घटता है बढ़ता है, तुरंत घटता बढ़ता नहीं, एकदम आराम आराम से घटता बढ़ता है। सर पावर चालू होने के लिए कोशिश कर रहा है, कोई एक उसमें कमी लग रहा है, फिर से लो हो जा रहा है, लो हो जा रहा है। अब चलिए हम क्रिस्टल को यहाँ दोबारा लगाते हैं, ये तो आप क्रिस्टल के बारे में महसूस किए, और क्रिस्टल नहीं होने से आपका कितना कंजप्शन जा रहा है ये भी आपने देखा कि क्रिस्टल हमारा खराब है या नहीं है, तो हमारा कितना तक जा रहा है, कितना 25 तक गया था ना। हाँ सर 24-25 जा रहा था। एक आदमी कोई इसका होमवर्क कर लीजिएगा कॉपी पे, ठीक है, कि कौन सामान जो हम शुरू से किए जा रहे हैं, समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ, बिल्कुल, कि कौन कौन से सामान नहीं रहने पे कितना रीडिंग आ रहा है, इसका एक बना करके होमवर्क हमें भी दीजिएगा। ठीक है सर। अब हम ऑन ऑफ का सॉर्टिंग हटाते हैं और हम फोन के एक बार बिहेवियर चेक कर लेते हैं। सर लेकिन क्रिस्टल खराब होने के बाद सर यही सिचुएशन। हाँ जब ये फ्रीक्वेंसी नहीं बनाएगा तो ऐसा ही सिचुएशन आपको देगा। अब फोन हमारा फिर ऑन हो गया। हाँ सर ठीक है, 300 चला गया, 500 हो गया, 800 चला गया, फोन हमारा ओके है। चलिए हम पावर केबल अब डाल रहे हैं फोन में। आपको अभी क्या दिख रहा है, डीसी सप्लाई मशीन? हाँ डीसी सप्लाई दिख रही है सर। चलिए हमने पावर की को प्रेस किया, कितना गया? 60 पे जा करके फोन हमारा क्या हो गया? स्टक हो गया सर। ठीक है, अब ये फोन आपका ऑटो पोर्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑटो पोर्ट। और आप इसको यूएमटी से फ्लैश करेंगे, फोन डन फ्लैश होगा, फ्लैश हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन लेंगे, पूरा इन्फॉर्मेशन निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन फोन ऑन करेंगे, ऑन नहीं होगा, ऑटो पोर्ट पे जाएगा। सर इस बार क्या फॉल्ट किया? इस बार मैंने वोल्टेज ड्रॉप किया, और इस कंडीशन में आपकी पीएस होल्ड भी बनेगी और पावर ऑन रिसेट लाइन भी बनेगा। चलिए मैं चेक कर देता हूँ, मल्टीमीटर मैं अब आपको शेयर करता हूँ, क्योंकि आपको पता है जब हमारा फोन ऑटो ईडीएल पे रहता है तो उस वक्त हमारा पीएस होल्ड और पावर ऑन रिसेट लाइन बनता है।